किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई खड़ा नहीं है, वो सब हमारे साथ ही है, कोई तंग नहीं है। हम एक हफ्ते तक यहाँ बैठने के लिए तैयार है, हम कभी न तंग थे न तंग है। ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगा जब तक हमारे बंदे यहाँ नहीं आएंगे। अगर आप पहले इन बंदों को लाए, ठीक है, वो हमारा फैसला है, हम यहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम अपना आंदा लाए अमल जो है ना वो बताते रहेंगे, ठीक है, हम किसी के पाबंद नहीं है। हम यहाँ पे पुरमन एहतजाज करने आए हैं, ये पूरी हमारी धरती है। और अगर आपको पता था कि आपकी हमारी एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप दो दिन से इन लोगों को मारते और पीटते नहीं थे। किसने मारा आप मुझे झूठा कह रहे हैं? आप कह रहे कि मैंने एक बंदे को छुड़ाया, मतलब मैं झूठी हो गई, फिर वो आपके पास कहाँ से आया? बिल्कुल बस गलती है, आप माने अपनी गलती, ऑन द कैमरा माने कि आप लोगों आपने जो है ना वो मुसाइरीन जो आ रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, आपने जो है ना उनको गिरफ्तार किया है, आपने औरतों पर तशद्दुद किया है। वो आपका काम नहीं है, डीजी खान के लिए या उसके लिए, उसकी जिम्मेदारी आपको नहीं है। आप मैं इस्लामाबाद जा रही थी या नहीं वो मेरा और आपका डिस्कशन नहीं। अगर आप लॉन्ग मार्च के मुतालबात को पूरे करने के इख्तियार रखते तो आकर हम उस पर बात करते। हमने तो यहाँ से आपको सेफ रूट दे रहे थे ताकि आप पूरा मंत्री। नहीं, हमें सेफ रूट की जरूरत नहीं, हमें पता है हमें मारने वाला कौन है। आप लोग अगर साइड हो जाए ना तो हमें यहाँ पे ये जमीन हमारी है, ये देख रहे हैं ना ये लोग, ये हमारे लिए आए हैं, ठीक है ना? अच्छी बात, बिल्कुल ना, जहाँ जहाँ हम आए हैं ना वहाँ वहाँ से हजारों लोग आए हैं। अच्छा, हमारी जमीन हमारे ऊपर आप लोगों ने ठहर की है और किसी ने नहीं। हम ये चाहते हैं सबसे पहले आप इन लोगों को रिहा करें, इनके FIR खत्म करें, सही है ना? जो लिस्ट आपने बनाई है जो लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोग यहाँ मुजाहरे में आएंगे आप उनको जाकर पकड़ेंगे, सबसे पहले उसको खत्म करें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये धरना यही कंटिन्यू रहेगा भाई। बात तो अब आपने बता दिया ना, बंदे हम आपके छोड़, आपने लोगों को गिरफ्तार किया वो ठीक था? कौन से लोग? कौन से लोग? अभी जो आप बोल रहे हैं कि मैं लोगों को छोड़ूंगा, आप बोल रहे हैं कौन से लोग? देखिए बात, जो बंदा कानून अपने हाथ में लेगा उसके लिए। कौन सा कानून? क्या किया था उन्होंने? 144 किस लिए आप लोगों ने 144 लगाया था? वो तो किस आइन के तहत? कौन सा इंतजामिया आप बताएं, कौन से आइन के तहत जो है ना आपने एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 144? मैंने कहा आप पहले लोगों को रिहा करें, वो हमने अपना लायमल बता दिया, हम कल यहाँ पे जलसा करेंगे। अगर आप तशद्दुद करना चाहती है, इन माओं को मारना चाहते हैं, इससे ज्यादा भीड़ आएगी, इससे ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है ना? बस ठीक है, बस आप पहले लोगों को रिहा करें। किसी पे अभी हाथ उठाया है ना हम उठा रहे हैं, ये बात नहीं करे, ये बात नहीं करे आप। तो फिर किसने उठाया है? आप DSP है, जिम्मेदारी आपकी है। मैं लेता हूं ना जिम्मेदारी। किसने उठाया है? किसने बंद किए रास्ते? इधर लाए, किसने उठाया है? 25 बंदे हमारे, ये बहन पे तशद्दुद हो गया। ये कौन है? वो बंदा प्रैक्टिकली मौजूद है, वर्दी पहन कर कौन लड़कियों को मार रहा है? डॉक्टर, वो बंदा प्रैक्टिकली तौर पर खुद मौजूद, ये दिखाओ। ये किसने मारा? किसने किया? होगा कैसे, किसने किया? ये पुलिस की वर्दी आपकी डीजी खान में कौन पहन कर लोगों को? अच्छा, अब आपके अब मेरे पास, अब आपके बंदे रिहा हो जाएंगे, तो फिर वो हमारा काम है, ये हमारी तहरीक है। आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें कॉल देंगे, पूरा डीजी खान आएगा। आपने 144 लगाया ना, फिर भी लोग आए हैं। लगाया आप लोगों ने ना, देख लगाना है बस। वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। हम अपना आइंदा लाएमल, हमारा इरादा यहाँ धरने का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर किया, आप लोगों ने हमारे लोगों पर गिरफ्तार किए। अच्छा बीबी, बात सुने, अगर आप लोग इस बात के राजी हैं, प्यार हैं, आप जाना चाहते हैं, बंदन आपको यहीं प्रोवाइड कर। नहीं, वो हमारा काम है, हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, ये हमारी सरजमीन है, बलोचिस्तान है, ठीक है ना? आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना? ऐसे नहीं, यही बात है, इस पर तो बात नहीं होगी। वो हमारा मुजाहरा होगा, जलसा होगा, जब हम निकलेंगे अब निकलेंगे, आपको फिर बता देंगे।
बंद हुए खान के डीएसपी है जो सामने से जो है ना इनकार कर रहे कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों को गिरफ्तार किसने किया है, मुझे नहीं पता कि इन औरतों को मारा किसने है। जब एक बंदे में इतना जर्फ नहीं है कि वो अपने ही फोर्सेस के क्यूए को माने तो वो क्या इख्तियार रख सकता है कि हमारे मुतालबात को पूरा करे। मैं इस वीडियो के तवसुत से डीजी खान के तमाम आवाम से यही अपील करती हूँ कि वो आए इस धरनागाह में ज्वाइन करें और जब तक जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जाता उसके बाद भी ये धरना जारी रहेगा और जब तक ये जलसा नहीं होगा यहाँ पे हमारा जो काम है रजिस्ट्रेशन है वो तब तक नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोगों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन इस शिरकत को ऐसे ही बरकरार रखना है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई नहीं डरा सकता लेकिन जब हम एक एक हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं तो हमें हर कोई डरा सकता है, हमें मार भी सकता है। अभी वक्त आ गया है कि बलोच और बलोच अपनी सरजमीन बलूचिस्तान के लिए एक साथ हो जाए। थैंक यू।